मनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी सिंगापुरियन राइस, जिनके लिए हमें ज़रूरत है एक प्याली चिकन, एक प्याली शिमला मिर्च, एक प्याली टमाटर, एक प्याली गाजर, एक प्याली हरी प्याज का वाइट प्याज और एक प्याली हरी प्याज का ग्रीन प्याज और आधी बंद गोभी। आधी बंद गोभी तकरीबन एक प्लेट में आ जाएगी आपकी। तो सबसे पहले हम चलते हैं चिकन की ग्रेवी की तरफ। तो चिकन की ग्रेवी के लिए हमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स हमारा है चिकन, उसके बाद हमें चाहिए एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद हमें चाहिए एक टेबल स्पून काली मिर्च, एक टेबल स्पून लाल मिर्च, एक हाफ प्याली आपको चाहिए होगा सोया सॉस, एक टेबल स्पून नमक, एक टेबल स्पून बल्कि हाफ प्याली हमारी है चिली सॉस। इसमें रेड सॉस भी डलता है, हॉट सॉस, जो अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह आप थोड़े से टमाटर यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं यूज़ करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे हॉट सॉस अवेलेबल नहीं है। चलते हैं अब चिकन की तैयारी की तरफ। सबसे पहले आप एक सॉस पैन को गर्म कर लें, उसके अंदर एक चम्मच तेल डालें, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन एक टेबल स्पून, जो हमने पहले से निकाल के रखा था। अदरक लहसुन के भुन जाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा स्टोव बढ़ा लेते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन ऐड कर लेने के बाद जब तक आपकी चिकन वाइट ना हो जाए आप इसको मिक्सअप करते रहें। जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा होगा कि चिकन वाइट होनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक टेबल स्पून काली मिर्च, जैसा कि हमने आपको बताया था, एक टेबल स्पून नमक, एक टेबल स्पून लाल मिर्च, सोया सॉस, और ये आ गया हमारा चिली सॉस। हॉट सॉस की जगह मैं यहाँ पर टमाटर इस्तेमाल करूँगी। जैसे कि मैंने इसमें थोड़े से टमाटर डाल दिए हैं, जब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पानी डालकर दम पर रखेंगे तो टमाटर अपना पेस्ट छोड़ देंगे, उसके बाद हमारी चिकन रेडी हो जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद आपकी चिकन ग्रेवी तैयार है। ये मैंने पानी ऐड कर दिया इसके अंदर। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ही दम पर रख दूंगी।
और मैंने इसको दम पर रख दिया। ये देखिए चिकन ग्रेवी हमारी तैयार है। जैसा कि मैंने बताया था, टमाटर अपना पेस्ट छोड़ देंगे, चिकन ग्रेवी तैयार है। अब हम चिकन को साइड पे कर लेते हैं। चिकन ग्रेवी हमारी तैयार है, अब हम चलते हैं सिंगापुरियन राइस के नूडल्स की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 1 चम्मच ऑयल। ऑयल में हम उसी तरीके से अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसे आपको भून लेना है। उसे भून लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियां। सब्जियों में मेरे पास है सबसे पहले गाजर 1 प्याली, प्याज, हरी प्याज, शिमला मिर्च 1 प्याली, टमाटर 1 प्याली। अब हम अपनी सारी सब्जी को फ्राई करेंगे। स्टोव थोड़ा सा बढ़ाया है मैंने। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक आपको हसबे जायका लेना है। यहाँ मेरे पास सब्जी ज़्यादा है तो मैं अपने हिसाब से 1/2 टेबल स्पून नमक ले रही हूँ। आधा टेबल स्पून लाल मिर्च ले रही हूँ। आधा टेबल स्पून मैं काली मिर्च ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सॉसेस। एक प्याली सोया सॉस, ये 3 टेबल स्पून सोया सॉस है। एक टेबल स्पून सिरका। सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं, जिसके लिए हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखना होगा। स्टोव बढ़ाकर मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख रही हूँ।
10 से 15 मिनट तक सब्ज़ी को पका लेने के बाद हम इसे खोलेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि सिंगापुरियन राइस के लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है, स्पैगेटी। थोड़ी थोड़ी करके स्पैगेटी ऐड करें ताकि वो सब्ज़ी में मिल जाए। चावलों को हमने पहले से बॉईल करके रख लिया था, अब उसके ऊपर हमने अपने बनाई हुई सब्जियों के साथ नूडल्स की पूरी एक तह लगाने के बाद उसके ऊपर हमने जो चिकन ग्रेवी बनाई थी अपनी उसको रखेंगे। उसके बाद हम इस पर मायो सॉस की लेयर लगा देंगे। तो आपके मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस तैयार हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।